हल पे ऐसा सीना पे रख के हल और फाड़ देगा उस व्यक्ति को जो हमें देशद्रोही कहता है, वो यहाँ आके खड़ा हो। देखिए वो देश जो ऐसा शर्मिंदा मोदी जी ही नहीं है, हम सारे लोग उस देश जो तिरंगे का जो वहाँ पे चीजें हुई लाल किला पे, वो प्रत्येक देश का जो हिंदुस्तान का जिसके अंदर खून बहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति उसकी वो निंदा करता है। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है वो ऐसी शर्मसार होनी चाहिए इसको कि जो अभी तक उस कार्य को अंजाम दिया ये सरकार, उसको अभी तक सलाखों के पीछे नहीं भेज रही है। ये सरकार अपने अहंकार में हमें देशद्रोही पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहती है। जो आपके आड़ में दीप सिंधु आपने जो ऐसा हंगामा करवाया, आखिर उनको क्यों नहीं सलाखों को पीछे भेज रही है? ये सरकार कहां सोई हुई है? ये दिल्ली प्रशासन कहां सोया हुआ है? 28 तारीख को अगर उत्तर प्रदेश का प्रशासन यहां फ्लैग मार्च करता है और आपकी गोदी मीडिया चित्रा त्रिपाठी ये लिख के कहती है कि ये आज रात अंतिम है किसानों की, तो चित्रा त्रिपाठी को और ये मोदी सरकार को कि ये आग है किसानों की, देख ले जरा ये जनादेश। ये सरकार को सीधा संकेत जाना चाहिए, जिस वजह से नरेंद्र मोदी कल अपने मौन व्रत तो कोड़े है ना, 11 दौर की बातचीत में अभी तक उनकी चुप्पी नहीं टूटी थी। हाँ, कल कहा कि एक कोल का फासला क्या? हाँ, एक कोल का, जब एक हमारे 150 किसान शहीद हो गए, 11 दौर की बातचीत हो गई, यहाँ बारिश हो रही थी ठंड में, आपने देखा होगा फ्लाईओवर के नीचे से मिट्टियां कट के पानी बह रही थी, तब ये संवेदना इनकी क्यों नहीं थी? जब ये जनसैलाब दिख गया, 5 राज्यों में चुनाव है, ये झांसा राम जी जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दाढ़ी बढ़ा के, और बंगाल के चुनाव में अगर नेताजी के जन्मदिन पर पहुंचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मंत्री हैं कि अगर अच्छा हुआ फौज ने अच्छा किया तो क्रेडिट ले लेंगे, बाबा कामदेव ने अच्छा किया तो क्रेडिट ले लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मंत्री और कोई इनका काम नहीं है, इनको कुर्सी से हटाने का काम ये किसान करेगा। लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे आतंकवादी बैठे हैं। नंद कुमार गुर्जर जी, आप आके यहाँ बैठिए ना, एक दिन में ठंड में सोइए। बाप तो भाजपा के दलाल हैं, भाजपा की दलाली खाते हैं, जो आपके मोदी कहेंगे वही काम करेंगे। आप कपिल मिश्रा का बोलिए, कपिल मिश्रा जब सीए एनआरसी दंगा करवाने वाले कौन था? यही थे। तो अब ये यहाँ षड्यंत्र रहे हैं इन्हों दंगा कराने का। लेकिन किसान जो व्यक्ति है वो अगर खेत में हल चला के अन्न उपजाता है तो उन्हीं देशद्रोहियों को ऊपर सीने पे हल चला के और फाड़ देगा वो सीना। ये सरकार को और जो देश जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज है, हल पे ऐसे सीना पे रख के हल और फाड़ देगा उस व्यक्ति को जो हमें देशद्रोही कहता है, वो यहाँ आके खड़ा हो। कौन कह सकता है देशद्रोही? जो एक जिसकी वजह से आपके थाली में रोटी आती है वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? अरे वो खाने वाला नमक राम है, जो नमक हमारा खाता और हलाली उसके दलाल की करता है, इसको संकेत जाइए। लेकिन राकेश टिकैत जी के आंसू समंदर में तब्दील हो गए, हम देख रहे हैं यहाँ पर। टिकैत आंसू की बात बहुत बढ़िया की हमारे टिकैत सर की, आप समझिए, एक मैं बेटा हूँ, मेरे पिताजी अगर रोते हैं, अगर वो किसान है तभी वो हमारे अपने बेटे का दर्द समझेंगे। वो एक किसान के बेटे हैं, किसानों का दर्द उन्हें पता है कि रात 12 बजे अगर ट्यूबवेल चलता है तो ठंड कितनी भी हो बिना पैदल और बिना कपड़े के पहुँचना पड़ता है, क्योंकि जब घुटने तक पानी होता है। उनको वो दर्द पता था, तब उस दर्द के वो आंसू छलके। अब ये सरकार वहां पे राजनीति करती है तो ये राजनीति छोड़ दे। जब 2013 में जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, उसी समय राजनाथ सिंह टिकैत सर के साथ मंच साझा किए थे, तब कहां थी ये सरकार? तब आप क्यों नहीं देशद्रोही कह रहे थे? अरे ये कुर्सी के प्रधान है, प्रधान सेवक नहीं है, चौकीदार चोर है और चोर है, इसको तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को। सरकार तो अभी भी मना कर रही है। सरकार मना कर रही है, आप देखिए तो बहुत दिन से मना कर रहे हैं, इनका तो काम ही है वही करना। ये तो 28-27 तारीख में षड्यंत्र रच के सोच रहे थे खाली हो जाएगा, लेकिन अब देख के कल इन्होंने चुप्पी तोड़ी प्रधानमंत्री ने। अब चुप्पी इसलिए तोड़ी क्योंकि क्या करें, चुनाव है, एक तरफ कल बजट सत्र पेश होना है, एक तारीख है, यहाँ किसान रोड पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुआ किसान की बात कैसे करेंगे? क्योंकि संध्या को अभिभाषण होना है, उसमें किसान की बात कैसे करेंगे जब
लाखों करोड़ों किसान रोड पे बैठा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं किसान बहुत खुशहाली है? आप समझिए, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर देश में एग्रीकल्चर से आता है। इस सरकार को यह देखना चाहिए, लेकिन संसद बजट सत्र में सरकार एग्रीकल्चर की बात नहीं करती है। जो चावल 10 रुपए किलो हमारे धान बिकते हैं, यही पैकेजिंग होके 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो बेचती है पॉलिश मार मार के। अरे हम गरीब कहाँ जाएंगे अगर हम फुटकर विक्रेताओं से दुकान से नहीं खरीदेंगे, हम खाएंगे कहाँ से? ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक लोगों का ये अधिकार है कि इस आंदोलन में सहयोग करे, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो। प्रत्येक व्यक्ति का ये आंदोलन है, चाहे हमें 20 रुपए का पानी ला के पीना पड़े, टार्च लगा के लाइट जलानी पड़े, लेकिन इस सरकार को हम इससे घुटने टेकवाने का काम करेंगे। मीडिया का रवैया कैसे देख रहे हो इस पूरे आंदोलन? मीडिया का रवैया, आप लोग अगर नहीं होते ना उस दिन 28 तारीख को, तो ये जो दिखा रही थी ना मीडिया, ये तो ऐसा लग रहा था भारत पाकिस्तान का युद्ध करवा रही है। अरे अपने देश में, अपने देश की ही जनता के साथ जिसका वोट लेती है उसी के साथ ये सरकार षड्यंत्र कर रही थी। ये षड्यंत्र कर रही थी और हमारी आवाज को कम करना चाहती थी, लेकिन ये देश का नौजवान, देश का किसान अपनी आवाज बुलंद करके और सरकार से ये जवाब मांग रहा है कि आखिर आपसे ये किसान और क्या मांग रहा है? जो आप कोरोना काल में तीनों कानून लाए, बस वही मान रहा है कि ये कानून वापस ले लीजिए और MSP पे गारंटेड कानून बना दीजिए, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आपने 28 तारीख की बात करी, अकेले भी तो आप लोग छोड़ गए थे, कैसे साफ हो गया? अकेले 27 तारीख को यंगिस्तान से पूछिए, 28 तारीख को यहाँ पर बाइट दिया यंगिस्तान ने, उसको बाइट दिया, लेकिन लोग कम थे, लेकिन लोग, क्योंकि उस समय ऐसा डर का माहौल गोदिया मीडिया ने करा दिया था। मेरे भी घर से फोन आ रहे थे, बेटा कहाँ हो? लेकिन मैं कहा अगर रोड पे खड़ा हूँ, मरना तो एक दिन है, जीने का मजा क्या है जब तक मौत ना देखो? अगर कुछ भी हो गया तो क्या दिक्कत है? 3 बेटे हैं, 1 बेटा नहीं रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें? मैं अपने पिताजी को लेकिन रात भर फोन आता रहा, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। वो आंसू एक जनसैलाब हुआ और हर किसान का बेटा उस दिन रात में रोया। ट्विटर पे मन की बात ट्रेंडिंग करवाते हैं मोदी जी आ गए, लेकिन किसान की आवाज को ट्रेंडिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि अपना अहंकार टूट जाएगा। अरे तो हम किसान के बेटे, हमारे पास भी गुरूर है और हम आपके गुरूर को तोड़ के रहेंगे। लेकिन 26 तारीख से पहले किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान आंदोलन में जो किसान आए उनकी जो छवि पूरे देश में थी, क्या उसमें कोई कमी आई है 26 तारीख के बाद से? अब देखिए 26 तारीख तक अगर हमारे टिकैत सर के आंसू ना गिरे होते तो ये छवि धूमिल कर रही थी, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति, आप देखिए सोशल मीडिया पे अगर किसानों के प्रति अब पोस्ट डालते हैं तो ये जो अंड भक्त हैं ये अब चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, उसी पोस्ट में मैं आपको दिखाऊं, मुझे देशद्रोही कहते थे, अरे तिरंगा झंडा हाथ में उठाकर, अरे उनकी आंखें फूट गई थी, मैं देशद्रोही और हमारे पिता को देशद्रोही कैसे कह सकते हो? लेकिन ये जो IT सेल है ये भाजपा का, बाकी पढ़े लिखे तो कोई नहीं, अगर IT सेल हटा दिया जाए तो ये ऐसी बर्बाद हो जाए सरकार की, इसका कोई अस्तित्व तो देश में नहीं रह जाएगा। और तुष्टिकरण की राजनीति करना छोड़े ये सरकार। मैं अयोध्या के पास, अयोध्या से एजुकेशन किया, लेकिन ये राम मंदिर की ऐसी राजनीति कर रही है ना, ये राजनीति करना छोड़े और बाबा को फिर मठ में बैठना पड़ेगा।